आपको याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है, और कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो मनरेगा बंद कर दूंगा। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार गई 33,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट था, आज बजट क्या है 10 साल बाद 90,000 करोड़। 15 लाख मैनडेज क्रिएट किए जाते थे 2013-14 में मनरेगा के तहत, आज कितने मैनडेज क्रिएट किए जाते हैं 34 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कृषि क्षेत्र जिसमें जिसके ऊपर 65% हिंदुस्तान की जनसंख्या निर्भर है, वहां पे लोग मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। तो कहां गए वो वायदे, कहां गई वो 20 करोड़ नौकरियां? क्यों गैस का सिलेंडर 1300 रुपए पे बिक रहा है? क्यों पेट्रोल 100 रुपए पे है? क्यों भारत का जो रुपया है वो 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है? तो इसलिए लोग बेवकूफ नहीं है, और इसलिए पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुखलाए हुए हैं।